ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ. September 29 दुनिया में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। मामला दिल का है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपका दिल सेहतमंद है? घबराइए मत, हम इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में करीब 30 मिलियन लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो सकती है। यंग जनरेशन थोड़ा ध्यान दे, ये हम नहीं WHO की रिपोर्ट कहती है। आज शहर के इंटरनेशनल हॉस्पिटल में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर एक कैंप रखा गया था, जिसमें हार्ट से रिलेटेड टेस्ट फ्री रखे गए थे। यहाँ के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अफजल नूर खान, इन्होंने बताया कि यंग जनरेशन में हार्ट की बीमारियाँ बहुत बढ़ रही है, जिसमें 10-12% लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी पाया गया है। दोस्तों, हमारे खान पान को कम और डेली एक्सरसाइज ज़्यादा करके हम हार्ट अटैक और बाईपास जैसी दिल को तकलीफ देने वाली बीमारी से बच सकते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर अफजल नूर खान हमें क्या बता रहे हैं। आज 29 September दुनिया भर में वर्ल्ड हार्ट डे के नाम से मनाया जाता है। इसकी वजह के दिल की बीमारियां, हार्ट डिजीजेस जिस स्पीड से बढ़ती जा रही है सारे दुनिया भर में, तो तकरीबन सारे कंट्रीज़ मिलकर एक वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन बनाया है, जिसका मकसद लोगों को कार्डियक अवेयरनेस, हृदय जागृति, दिल की बेदारी, ये करना उसका मकसद है कि हम दुनिया की राजधानी माना जा रहा है हार्ट डिजीजेस, और हिंदुस्तान में यंग लोग मुतासिर हो रहे हैं, और आने वाले चंद साल में WHO के मुताबिक 30 मिलियन इंडियंस आर गोइंग टू डाई ऑफ हार्ट डिजीजेस। हार्ट डिजीजेस से मौत के घाट उतरने वाले हैं, तो हमें इस बात की चिंता करना है कि आने वाला जो जनरेशन है उनको हम इससे बचाएं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको दें, और इस ख़तरनाक बीमारी से हम बचे रहें, जिसके वजह से काफ़ी फैमिलीज़ मुतासिर हो रहे हैं और अल्टीमेटली हमारा देश, हमारी कंट्री उससे मुतासिर हो रही है। ये कहा जाता है अ हेल्दी बॉडी इज़ अ हेल्दी नेशन। जिस कंट्री के लोग सेहतमंद रहते हैं वो कंट्री अच्छी रहती है, वो कामयाब कंट्री है। तो हमने आज इस 29 September को वर्ल्ड हार्ट डे के कार्डियक अवेयरनेस के तहत एक बहुत बड़ा कैंप यहाँ पर हमने रखा था, जिसमें काफ़ी लोग इसमें पार्ट लिए हैं, जिसमें हमने उनका फास्टिंग ब्लड टेस्ट किया है, ब्लड शुगर्स किए हैं, लिपिड प्रोफाइल किया है, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया है, उनका थायराइड प्रोफाइल चेक किया है, और जिन लोगों में ज़रूरी था उनका ECG किए हैं, और इनमें से जो लोगों को और भी सोफिस्टिकेटेड कार्डियक टेस्ट की जो नौबत आई है उनको हम ये आने वाले हफ्ते में एक स्पेशल सब्सिडाइज्ड रेट में वो हम उनको वो टेस्ट हम करके देंगे, जैसा इको है, स्ट्रेस टेस्ट है, एंजियोग्राफी है, वो हम आने वाले हफ्ते में करके देंगे। तो हमारी जो स्टडी है, पर्सनल स्टडी है, कि उसमें यूं देखा गया है कि कम से कम 10-12% लोग, 10-12% लोग में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ओबेसिटी ये पाया जाता है, जिनको पता नहीं है। हम यहाँ पर उनको डायग्नोज करते हैं, डिटेक्ट किया है हमने 10-12% लोगों को, और इस मीन्स और आने वाले जो हफ्ते में जिन लोगों को हमने जो स्पेशलाइज टेस्ट के लिए एडवाइस किया है, फिर उसमें से उनका स्क्रीनिंग होगा, उसमें जो हाई रिस्क पेशेंट्स होंगे फिर हम उनको एंजियोग्राफी के लिए हम लेंगे। गल्फ के अंदर पहला मेडिकल टूरिज्म हमने डाला, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोस्टली बड़ी बड़ी सिटियों में हम जाते हैं और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स इन सब चीज़ की देखभाल करने के बाद में डिसीजन लेते हैं कि ये हॉस्पिटल और ये डॉक्टर्स हमारे इंटरनेशनल टूरिज्म के हिसाब से लायक है या नहीं है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ डॉक्टर खान को कि काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उनके मिले हुए, जिसकी वजह से हमने डिसीजन लिया है कि गल्फ टूरिज़्म को हम
बढ़ावा देने के लिए ये औरंगाबाद सिटी के अंदर इस इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर इंटर करें। ये हॉस्पिटल परफेक्टली इंटरनेशनल टूरिज़्म के लिए लायक है। हम उनको सभी शुभेच्छा पेश करते हैं कि भाई इस टाइप के हॉस्पिटल्स और इस टाइप के डॉक्टर्स यहाँ पर रखे हुए जो प्रोफेसर लेवल्स के हैं, मैं उनको आगे की कार्रवाई के लिए अभिनंदन करता हूँ।